जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरे को अमरनाथ यात्रा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए सर थोड़ी। हाँ जी बताइए सर। जैसे जो मेडिकल लिस्ट जारी हुई है ना डॉक्टर से मेडिकल कराने के लिए, हाँ जी, उसमें हमने हरियाणा में करनाल दिखा रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें मैं रहता हूँ रोहतक। हाँ जी। जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, हाँ जी, उससे मैं जो मेडिकल करा दिया जी। उन्होंने कर दिया बिना लिस्ट की? हाँ उन्होंने तो कर दिया जी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वैलिड बना जी? सर वैलिड तो बैंक वाले बताएंगे, क्योंकि परमिट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। परमिट ना बना ना, हाँ हाँ, तो दिक्कत आएगी। कई बार बैंक वाले लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर हैं, क्या है। वैसे मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा लिस्ट परमिट के लिए। हाँ हाँ, तो उसमें बन गया तो वैलिड हो जाएगा ना? हाँ बन गया फिर तो वैलिड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ जी सर, बन गया आपका अगर रजिस्ट्रेशन ना, हाँ जी, परमिट, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। वो जैसे पिछली बार को अलाउ था वो डॉक्टर वाला जो सिविल हॉस्पिटल था। हाँ, अलाउ तो जब मेन होता है कि अगर भी देखो, हम ये नहीं कह सकते, जो शाइन बोर्ड ने इनके नाम दिया ना वो ही अलाउ है। अच्छा, अगर लॉजिकल देखे जाए तो। फिर भी अगर वो लोग मानते हैं कि आपने करवा लिया, वो चेक नहीं कर रहे हैं और आपका परमिट बना दिया, हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। परमिट बन गया तो आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, मान लो जैसे करवा देना पड़ेगा मान लीजिए तो। हाँ, हम खुद गुड़गांव में रहता हूँ मैं, तो मैं वहाँ राजस्थान से करा के आया मैं इसीलिए। अच्छा जी। क्योंकि गुड़गांव के लिए टाइम नहीं थी, ये करनाल की भी उस दिन जिस दिन हम करवा गया उसके 2 दिन बाद आई। अच्छा जी। हाँ, तो होने को हो भी चाहे ना भी हो, लेकिन अगर आपने जो लिस्ट में नाम है वहाँ से कराया, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आप कह सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे। करनाल का दिखा रहा है, मैंने आज भी शाइन बोर्ड में बात की थी, वो कह रहे कि अपडेट हो जाएगी, वहाँ से आई नहीं है, कौन इतना करे, तो यही है। तो मतलब अभी फिलहाल अभी कल जैसे मेरा फ्रेंड है दिल्ली का, वो मेडिकल करा लेगा, फिर मैं अपना रजिस्ट्रेशन करके देख लूंगा। परमिट बन जाता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर नहीं बनता तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा जी करनाल। हाँ हाँ, करनाल बिल्कुल ठीक है सर। जैसे दिल्ली से करा सकता हूँ मेडिकल? बिल्कुल, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से मेडिकल कहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, मतलब कहीं से भी करा सकता हूँ? वैलिड है ऑल ओवर इंडिया, कहीं से मेडिकल कहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें जैसे आप बता रहे जब उसे भगतपुर में टिकट बुक कराई है, भगवती नगर, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से अपनी टिकट बुक कराई और रश करी 4 बजे सुबह बस चलती है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको वहाँ छोड़ेगी चंदन पहलगांव। हाँ जी। फिर पहलगांव से जिप्सी सीट बुक करो वो चंदनवाड़ी। हाँ जी। फिर वहाँ से पैदल यात्रा। हाँ जी। फिर उसके बाद 3 दिन लगेंगे। हाँ जी। फिर बाई ट्रेन से आ सकते हो वहाँ से? हाँ, जाने को किसी रूट से जाने का परमिट बनता है, आने के लिए कोई परमिट नहीं, आप किसी रूट से वापस आ सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर जी। हाँ, ये ठीक, ये पूछना था सर। ओके सर जी, अभी ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे अगर जुड़ना है आपने तो मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप ऐड कर लूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भेजता रहूँगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं अभी और लिख दूंगा, अभी अमन कुमार असल नाम मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर लूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।